दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को महान कप्तान मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों वेस्टइंडीज के खिलाफ पांचवा T20 मुकाबला हारते से ही हार्दिक की कप्तानी में 3-2 से T20 सीरीज हारा भारत, तो यह देख भड़क उठे धोनी का फूटा गुस्सा। बता डाले हार के 7 बड़े कारण और BCCI से की ऐसी बड़ी मांग की जानकर देश रह गया हैरान। तो दोस्तों आखिर क्या बोले धोनी सब आपको वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि MS धोनी, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या में से कौन अच्छा कप्तान है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 मैच की T20 सीरीज का अंतिम और 5वां T20 मुकाबला फ्लोरिडा में खेला गया, जहाँ इस मुकाबले में भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसके चलते टीम इंडिया ने 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 165 रन जड़कर वेस्ट इंडीज की टीम के आगे 166 रन का लक्ष्य रख दिया। हालांकि दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, क्योंकि यशस्वी जायसवाल 5 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं शुभमन गिल ने 9 रन बनाए, लेकिन सबसे ज्यादा रन सूर्य कुमार यादव के बल्ले से निकले, जिन्होंने 4 चौके 3 छक्कों की बदौलत 61 रन की पारी खेली। बाकी तिलक वर्मा 27 रन बनाकर ही आउट हुए और कोई भी अन्य बल्लेबाज साथ निभा ही नहीं पाया, जिसके चलते भारत की टीम 165 पर ही पूरी ढेर होती हुई नजर आई। लेकिन जब मुकाबला शुरू हुआ और वेस्ट इंडीज की टीम को 166 रन पर पहुंचना था, तो यहां पर काइल मेयर्स और ब्रेंडन किंग ने एक बार फिर से पारी की शुरुआत की, जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने ठान लिया था कि पहले ही ओवर में 11 रन जड़ने के बाद बड़े शॉट ही खेलेंगे। लेकिन यहां पर काइल मेयर्स को अपने जाल में अर्शदीप सिंह ने फंसा लिया और ये एक विकेट गिरने के बाद पूरी वेस्ट इंडीज की टीम घबराई हुई नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों यहां पर मुकाबले को बचाने का काम ब्रेंडन किंग और निकोलस पूरन ने किया, जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर शतकीय साझेदारी को अंजाम दिया और यहां पर बारिश शुरू होने से ठीक पहले तक मुकाबले को लगभग ये जीत की राह पर भी आगे लेकर जा चुके थे। और फिर क्या था, यहां पर बारिश हुई मैदान पर, लेकिन फिर जब मुकाबला शुरू हुआ तो तिलक वर्मा ने जरूर निकोलस पूरन को 47 रन पर चलता किया, लेकिन दोस्तों तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। यहां आज ब्रेंडन किंग ने 55 गेंदों में 5 चौके और 6 छक्के जड़ते हुए 85 रन बनाए और शे होप ने 22 रन जड़कर वेस्ट इंडीज की टीम को 8 विकेट से इस मुकाबले में जीत दिलाई और भारतीय टीम ने इस सीरीज को 3-2 से गवा दिया और वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगातार सीरीज जीतने का चलता आ रहा रिकॉर्ड भी अब टूट चुका है। और यहां पर भारतीय टीम में आज हार्दिक पांड्या की कप्तानी बेहद ही निराशजनक थी और टीम इंडिया का प्रदर्शन भी उस लेवल का नहीं था कि हम मुकाबला जीत भी पाते। और यह सब देखने के बाद आप तो जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी काफी ज्यादा भड़कते हुए ही नजर आते हैं और यहां पर जमकर महेंद्र सिंह धोनी का गुस्सा फूटा है। और इस बीच हार के 7 बड़े कारण बताते हुए धोनी ने कई बातें बोली हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर धोनी कहते हैं कि मुझे अपनी टीम से ऐसे प्रदर्शन की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, जहां हमारे बल्लेबाज बस सूर्य कुमार यादव की अगर हम पारी निकाल दे तो यहां कोई भी बल्लेबाज 30 से ज्यादा रन भी नहीं बना पाया है। आखिरकार ये कब तक चलेगा? आप अगर ऐसा ही प्रदर्शन करेंगे, हम चाहे कितने भी तिलक वर्मा को लेकर आ जाएं, हम चाहे कितने भी हार्दिक को खिला लें, अगर टीम का ओपनिंग पेयर ही काम नहीं आएगा तो हमारी टीम तो वैसे ही बेकार होती चली जाएगी। तो यहां पर अगला बड़ा कारण धोनी ने यह तक बताया कि संजू सैमसन को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी टीम से बाहर किया जाना चाहिए, क्योंकि अब संजू को इंटरनेशनल क्रिकेट में कई मौके दिए जा चुके हैं लेकिन एक भी मौके का वो फायदा बुना नहीं पाए हैं। और यहां पर 30 रन तो छोड़ो, उसके बल्ले से 50 रन की साझेदारी भी किसी बल्लेबाज के साथ होती हुई नजर नहीं आई है और इसीलिए संजू का टीम में खेलना अब टीम इंडिया के लिए हानिकारक बनता चला जा रहा है। तो वहीं अगला कारण धोनी ने बताया कि हमारी टीम 5वां T20 मैच जीतने के लिए तैयार थी, लेकिन आज हार्दिक पांड्या की गलत कप्तानी और गलत समय पर गलत गेंदबाज को भेजना ही हमारी टीम को ले डूबा है और हार्दिक की कप्तानी में हम कभी भी मैच को जीत नहीं पाएंगे, भले हम कमजोर टीम के खिलाफ खेले या फिर मजबूत। तो वहीं धोनी ने अगला कारण बताते हुए बातों बातों में यह तक कह डाला कि हार्दिक पांड्या से कप्तानी कराना अब BCCI छोड़े और रोहित शर्मा को ही तीनों फॉर्मेट का कप्तान बने रहने दे, क्योंकि हार्दिक के बस की बस कमजोर टीमों के खिलाफ ही मैच जीतना है। अगर थोड़ी सी भी मजबूत टीम आ गई तो हार्दिक मुकाबले को जितवाना तो छोड़ो अंत तक लेकर भी नहीं जा पाएगा। तो वहीं यहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय गेंदबाजों की भी जमकर आलोचना की, जहां उन्होंने यह तक कह डाला कि युजवेंद्र चहल का भी अब T20 से पत्ता साफ होना चाहिए, क्योंकि अगर 4 ओवर में कोई गेंदबाज 51 रन देगा तो हम मैच भला जीतेंगे कब में। और वहीं कुलदीप यादव की भी गेंदबाजी पर जमकर प्रहार महेंद्र सिंह धोनी ने किया। बाकी दोस्तों यहां पर धोनी ने तो एक से बढ़कर एक पॉइंट बताए हार के, लेकिन अब आप सभी क्या मानते हैं कि धोनी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है फिर गलत? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।